वेरा खड़ी, मुझे तो इस घर में चाहिए नहीं। सागर, इसे तो पसंद है, अब तुम्हारी मर्जी बताओ। मुझे भी पसंद है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु हरि। मही, अरे कहाँ हो यार, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। आई 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 सागर जी आई। और धीरे बोले सागर जी, वरना सासू माँ के तानों की पहली गोली मस्त छूट जाएगी। सागर बेटा, तुमने मही से कोकिल कंच उधार में लिया है क्या? मही, मैंने कल रात तुम्हें ये गिफ्ट रैप करने के लिए कहा था, मुझे बॉस को देना है, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया और तुमने अभी तक नहीं किया। शांति शांति सागर जी, अब चाय नाश्ता कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेने गई थी। अब मुझे थोड़ी पता था कि आप इतने जल्दी जल्दी ढिंचक तैयार हो जाओगे। टेंशन मत लीजिए, आप ये लीजिए नाश्ता कीजिए। मही, चाय नाश्ता कोई मायने नहीं रखता, मैं ऑफिस में खा लूंगा, प्लीज तुम इसे जल्दी से रैप कर दो प्लीज। हां सागर जी, बहुत टेंशन हो जाती हो आप, करती हो लेकिन आप ये चखिए। मैंने कहा ना, मैं बात करो प्लीज, रुको। हां सर, करो करो ये करो करो छो बहु बाप आपका तो टेंशन है से। हां चल चखो तो सही। देखा तुमने क्या किया? पता नहीं अब लैपटॉप चालू भी होगा या नहीं। मेरा इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था आज। तुम गांव की औरतों को ना खाने के अलावा कुछ नहीं आता। देखिए सागर जी, पत्नी गांव की हो या शहर की, वो अपने पति को कभी भी भूखे पेट घर से बाहर नहीं भेजती। अब ये तो आप कैसे टेंशन मत लीजिए। कभी कभी ना मॉम सच कहती है, अगर मुझे कोई पढ़ी लिखी लड़की मिली होती ना तो मुझे अच्छे समझ पाती। तुम प्लीज छोड़ो, मैं कर लूंगा खुद, छोड़ो। मही, बुआ थोड़ा थोड़ा चखिए। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी चंपक भाई, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। अरे कैसे हो गया, लेकिन आइंदा सॉरी, लेकिन आपकी तबीयत के काट दिया। मही! जी 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 जी, जी, जी सासु माँ। मही, कल तुमने चंपक भाई को कौन सा खाना खिलाया? पता है उन्हें बदहजमी हो गई है। हाये, ऐसे कैसे हो सकता है सासु माँ? हम सबने भी तो वही खाना खाया था ना, हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझे कम से कम 500 बार सॉरी कहना पड़ा। मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट साहब का पेट पहले से ही खराब होगा, पर ऐसा कहूंगी तो सासू माँ तो और गुस्सा करेगी। सॉरी मुझे बोलना भी नहीं और सुनना है। यस, यू शुड बी सॉरी। पता है तुम्हारी वजह से वो मुझ पर कितना गुस्सा हुए और मेरी कितनी इंसल्ट हुई। सासु माँ, आप कहे तो मैं बात करूँ साहिब से? तुम बात करोगी? वो पत्थर पर चाकू घिसते हैं वैसी आवाज में। चंपक भाई सॉरी, वो सासु माँ की कोई गलती नहीं थी, सब गलती मेरी थी, सॉरी 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 ऐसी आवाज में। अरे तुम क्या बात करोगी, तुम्हें तो ठीक तरह से खड़ा रहने भी नहीं आता। खड़े ऐसे रहती हो जैसे कि किसी टेबल के चार में से दो पैर काट दिए हो और वो दो पैर पे खड़ा रहकर हिल डुल रहा हो। ऐसे बढ़िया ही बात कर रहे। आज फॉरेन से प्रतिनिधि मंडल आने वाला था लेकिन उसमें मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वेरा खड़ी, मुझे तो इस घर में चाहिए नहीं। अनसुईया, जैसे ही तुम्हारा फोन आया मैं सीमा को लेकर फौरन आ गई।
ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल है ना ब्यूटीफुल। चेतना, ये तुम दिन में कितनी बार ऐसे सिर हिलाती हो? अरे आंटी, आप गिनते गिनते थक जाएंगी, लेकिन मॉम सर हिलाते लाते नहीं थकेंगी। सागर कब आएगा? अभी आता ही होगा। ओलो, आ भी गया। हाय सागर। हाय सीमा। हाय आंटी। हेलो बेटा। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मम्मी, बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। ये सागर है, इस जैसा लड़का पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और आप इसे शैतान कह रही हो? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। एनीवे, सागर, इसे तो पसंद है। अब तुम्हारी मर्जी, बताओ तुम्हें पसंद है या नहीं। मुझे भी पसंद है। अरे वाह। दरअसल हमारी फोन पे बात हो गई थी। भगवान करे दूसरी शादी सफल रहे। होगी। तो ये रिश्ता हम पक्का समझे? क्यों चेतना? हाँ सुया, तुमने कह दिया, इसके बारे में मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। बिल्कुल मम्मी, ऐसा मौका हाथ से थोड़ा जाने देना चाहिए। क्यों सागर, कल हम दोपहर को लंच पर मिल रहे हैं ना? डन। ऑडिशन के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है। हाँ भाभी, लेकिन आप जैसे समझ रही हो, ये बाल वैसा नहीं है। मही, तो क्या ये क्रिकेट का बॉल है? मही, क्रिकेट का बॉल इससे बड़ा नहीं होता? भाभी देखो, ये छोड़ो ना, ये बाल वैसा नहीं है, पर मैं सोनिया आई। मॉम बुला रही है। भाभी देखो, साबरमती माता की कसम, मैं आपको ऐसा शिम टू शिम बॉल लगा दूंगी। हाँ प्लीज। ओके। क्या बताऊं आपको भाभी, ये एक जादुई बाल है जो दादी सास ने मुझे दिया है। ये अगर किसी के सर पर लग जाए तो उसकी याददाश्त चली जाती है, और उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए किसी और व्यक्ति के सर पर मारना पड़ता है। लेकिन अभी तो मेरा मन कर रहा है कि इसे मैं अपने सर पर मारूं, और अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ भूल जाऊं। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। थैंक यू। पौना, मैंने जो सामान की लिस्ट दी थी ना, वो सामान लेके आओ। जी मैडम जी। शरबत तो बहुत अच्छा है। ओ, आ गई मुसीबत। जरूर इस शादी में रोड़ा डालने के लिए आ रही होगी। क्या करूं क्या? सासुमा, और वो भी गरबा स्टाइल में, देखना कैसे। सागर, शादी की सारी तैयारियां हो गई है, तुम्हारी शेरवानी भी आ गई है, ट्राई कर लेना। ओके मॉम। मॉम, हम किसी को भी आमंत्रित नहीं कर रहे हैं ना? नो नो, बिल्कुल नहीं, किसी को भी आमंत्रित नहीं करने वाले। इवन सीमा भी किसी को आमंत्रित नहीं करने वाली। हे भगवान, ये तो सच में सागर जी और सीमा बहन की शादी होने वाली है। सासमा। अरे मही, वाह, ये वही बॉल है ना जो तुम मुझे देने वाली थी। थैंक यू।
सागर जी को बॉल लग गया, मतलब इनकी याददाश्त चली गई। अब मेरा क्या होगा? सोनिया क्या करती हो तुम? सागर बेटा लगी तो नहीं? सागर जी, मेरा बॉल। सागर जी, मैं वही आपकी मही। लगता है सागर मही से नाराज है, इसलिए उसे बात नहीं कर रहा है। गुड, वेरी गुड। मही तुम इसकी, लेकिन अब सागर तुम्हारा नहीं। सासू माँ, आप सागर जी की शादी क्यों करवा रही है? बस बहुत बोर हो गई थी, मुझे मूड आया कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आना चाहिए, इसलिए बस मैं सागर की दूसरी शादी करवा रही हूँ। सासू माँ, अगर बदलाव लाना ही है तो घर के पर्दे बदल दीजिए, सोफा बदल दीजिए, आपके वो भूरे रंग के चप्पल बदल देती, अरे घर पूरा बदल देती, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सासू माँ। सासू माँ, सासू माँ, आप मुझे छिपकली कहती है ना, तो ठीक है, मैं से छिपकली बनकर किसी कोने में ऐसे पड़ी रहूंगी, बस प्लीज 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 मेरा मानिए, सागर जी की दूसरी शादी बंद करवाइए। अच्छा तो, और मुझे बहुत मजा भी आया। सासू माँ, आखिर मुझ में क्या कमी है जो आप सागर जी की शादी सीमा बैंक से करवा रही है? कमी? कमी यहाँ कहो नहीं, अगर मैं तराजू लेकर तोलूंगी ना तो तराजू भी टूट जाएगा, इतनी कमियां हैं तुझ में। और वैसे भी मुझे शहर की मॉडल, सुंदर, एलीट, क्लासी, सभ्य बहू चाहिए थी, जो मुझे मिल गई है। अब मुझे तू जैसी देसी गवार, कम पढ़ी लिखी, असभ्य बहू की कोई जरूरत नहीं है। सागर बेटा सुनो, हाँ हाँ नंदिता, पार्टी जरूर दूंगी, श्योर पक्का। थैंक यू। ओहो, पता नहीं अभी तक ये वकील क्यों नहीं आया। अनसुईया जी, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, जय सिया राम। शायद आप भूल गए हैं कि आप पंडित हैं, वकील नहीं। एक मिनट श्रीमती जी। मिसेज मेहता, कानून की धारा दफा 420 के तहत चाहे वो चोरी 2 रुपए की हो या 2 लाख की हो, उसे चोरी ही कहा जाएगा। That's all my honor. Wow, 2 in 1, पंडित भी और वकील भी। सागर जी, ये सब क्या हो रहा है? सागर जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये सब गलत है, रोकिए ये शादी को। आप कौन है मिस? मिस नहीं सागर जी, आपकी मिसेज। वो मही जो भागती हुई आपके पास आती है तो आप कहते हो कि खल खल बहते हुए झरने जैसी हो तुम। वो मही जो शर्माती है तो आप कहते हो कि लाजवती के फूल जैसी हो। वो मही सागर जी, याद कीजिए ना। मॉम कैच। वो सोनिया, क्या बच्चों की तरह घर में फुटबॉल खेल रही हो? स्टॉप इट। हम कहाँ हैं? जहन्नुम में। लेकिन हम मरे कब? तो फिर दुल्हन को बुला लीजिए। अरे ना ना, मैं दुल्हन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो वो, अरे छोड़ो, आपने मुझे पहचाना ना? हाँ पहचाना। तो बस सागर जी, अब ये शादी रोक दीजिए प्लीज, पापा जल्दी रोकिए। ये शादी होकर ही रहेगी सागर जी। मही, मैं मॉम के खिलाफ नहीं जा सकता। नहीं सागर जी। मही, सोनिया बेटा, सीमा को लेके आओ। ओके। okay.
वर वधु रजिस्टर पर साइन कीजिए। सागर जी। अब वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। सुनिए। ए हाँ, सॉरी। यस। सर मंगल मंगलेश वे शर्वादि साधिके सरणम त्रम्बके मा गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जान चली जाती। पसंद है, अब तुम्हारी मर्जी बताओ, तुम्हें पसंद है या नहीं। मुझे भी पसंद है। अरे वाह, आई होप ये शादी सफल रहे। ये सब तो वही हो रहा है जो मैंने सपने में देखा था। सागर जी ने भी वही शर्ट पहनी है, इन लोगों ने भी वही कपड़े पहने हैं। डन। ये सब तो हकीकत में हो रहा है। गलती गलतियां कहो मही, क्योंकि एक गलती से तो तुम्हारा पेट नहीं भरता ना। हाँ तो उसके लिए इतनी बड़ी सजा। सजा अब तक दी ही कहाँ है सजा। तो फिर ये क्या है? ये सीमा है, सजा नहीं है मही। मही हुआ क्या है तुम्हें? सागर जी, अरे आप इतना बड़ा कारनामा करने जा रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अरे मही, 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 तुम्हें हुआ क्या है? तुम अचानक रोने क्यों लगी? सागर जी, अगर आपकी दूसरी शादी होगी तो मुझे रोना नहीं आएगा क्या? दूसरी शादी? What? मही तुम भी पागल हो। अरे हम सीमा की दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। और तुम्हें ऐसा लगा कि सागर की दूसरी शादी हो रही है? क्यों? अभी अभी आपने बोला था ना कि आप लोग दोपहर के खाने में मिलोगे, तो वो सब क्या था? अरे मही, हम लोग मतलब मैं, सीमा और सीमा ने जिस लड़के को पसंद किया है वो। मही रिलैक्स, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। दरअसल मैं और सीमा बहुत अच्छे दोस्त हैं। सीमा अपने तलाक के बाद दूसरी शादी करना चाहती थी और उसने एक लड़का देखा, लेकिन उसकी पहली शादी का अनुभव अच्छा नहीं था, इसलिए वो डरी हुई थी। तो मॉम और मैंने उस लड़के के बारे में सारे डिटेल्स पता किए और हमने सीमा को घर ये समझाने के लिए बुलाया था कि वो लड़का अच्छा है, हमें पसंद है, वो रिश्ता पक्का कर ले। अच्छा। मही, तुमने कोई सपना देखा था? हेलो, हेलो। हाँ, शायद सपना ही था, क्योंकि सपने में तो सोनिया भाभी एक वो फुटबॉल की खिलाड़ी बनी थी। अभी तो कुछ बनी हुई नहीं है,
आज कुछ बनी नहीं भाभी आप? हाँ, क्योंकि आज मेरा उपवास है। मही, जैसे तुम कुछ नहीं खाने के लिए उपवास रखती हो, वैसे सोनिया ने आज कुछ नहीं बनने के लिए उपवास रखा है। मही, कभी कोई मही सागर नदी को अलग करने के बारे में सोच सकता है? तो फिर तुमने कैसे सोच लिया? अरे, हमारा रिश्ता भी मही सागर नदी जैसा ही है। पता है ना, मही नदी सागर में समा गई थी। भगवान करे मही सागर की जोड़ी सलामत रहे। सलामत रहे।